दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जीरोधा का जो एप्लीकेशन आप पहले यूज़ करते थे, वो एप्लीकेशन अगर चेंज हो गया है अभी। अगर आप ये वाला एप्लीकेशन जो कि जीरोधा काइट 3.0 करके आएगा, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फ़ोन में, और इससे आप अगर यूज़ करते हैं तो ये एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट चलता है। जो कि पिछला वाला जीरोधा था, हमारा जो जीरोधा काइट ऐप था ट्रेडिंग वाला, उसमें वो कभी कभी हैंगिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो जीरोधा वाले ने इनको ये वाला नया एप्लीकेशन अपडेट किया हुआ है प्ले स्टोर पे, तो आप जाकर प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। ये आपके जो लैपटॉप और पीसी है उससे भी फास्ट चलता है और मैं इसी से ट्रेडिंग करता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो देखिए, आज मैं आप लोग का इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, इसमें किसी भी स्क्रिप्ट को इसमें ऐड कर कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा कि इसको बैंक निफ्टी की कोई भी कॉल और पुट कैसे इसमें ऐड करते हैं और उसको कैसे बाई और सेल करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बैंक निफ्टी के जो कॉल और पुट मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली देता हूँ फ्री में, उसको जीरोधा में कैसे बाई सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली फ्री इंट्राडे की कॉल्स देता हूँ और शॉर्ट टर्म की भी कॉल्स देता हूँ दोस्तों। तो आप जाकर जुड़ सकते हैं। अगर लिंक के द्वारा आप नहीं जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए अपने, और वहाँ पर ऊपर सर्च बार में आप सर्च कीजिए इंट्राडे प्लेयर करके, आपको ऊपर ही मेरा नाम आ जाएगा और उस चैनल को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। तो देखिए, ये वॉच लिस्ट यहाँ पर देखिए, उसमें भी पांच पेज था, इसमें भी पांच पेज हैं। देखिए, वॉच लिस्ट नंबर 1 है, वॉच लिस्ट नंबर 2 है, वॉच लिस्ट नंबर 3 है, वॉच लिस्ट नंबर 4 है और ये वॉच लिस्ट नंबर 5 है। तो हम इसमें अपने अकाउंट स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को 4 वाला दिखाता हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉक की जो वॉच लिस्ट है, 4 पेज नंबर 4, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का ही कॉल आउटपुट हमेशा ऐड करता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी के कॉल आउटपुट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए, अभी बैंक निफ्टी चल रही है हमारी, जुलाई फ्यूचर चल रहा है तो 30709 चल रहा है। तो मैं अगर आप लोग को बोलता हूँ कि 30900 की पुट को, 30900 की कॉल को आपको बाई करना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 30900 की कॉल को इसमें ऐड कैसे करना है। तो देखिए, ऊपर सर्च बार है, वहाँ पर हम सर्च करेंगे 30900 की कॉल। देखिए, ऊपर आ गया 11 जुलाई 30900 की कॉल, तो हम इसको यहाँ प्लस वाले पे ऐड कर देंगे। ओके, अभी हमारा ऐड हो गया 30900 की कॉल। यहाँ पर देखिए, 5 पैसे पे चल रही है 30900 की कॉल। मैंने इसको बोला कि अगर इसको बाई करना है, 30900 की कॉल को बाई कैसे करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को इसमें बाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले इस पर क्लिक करेंगे और बाई और सेल का दोनों ऑप्शन आ गया। तो बाई पे अगर हम क्लिक करेंगे, हमें बाई करना है। अगर आपको डिलीवरी के लिए बाई करना है, मतलब आज बेच बाई करके कल परसों सेल करना है, तो आप नॉर्मल में रखिए। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो यहाँ पर MIS कर दीजिए, राइट। अब मैं आपको मार्केट रेट पे अगर सेल करना है, जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको बाई करना है या सेल करना है, तो वहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपको प्राइस, मान लीजिए मुझे 1 रुपये या 5 रुपये पे या 20 रुपये पे, जो भी प्राइस आपको फिक्स प्राइस डालना है, तो यहाँ पर लिमिट पे क्लिक करिए। अब लिमिट पे क्लिक करके देखिए, वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ गया। तो अगर हमें 10 रुपये में सेल करना है, तो चलिए हमने 10 रुपये का ऑर्डर डाल दिया। ओके, अब हमें देखिए रेगुलर में करना है कि ब्रेकेट ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में या आफ्टर AMO में करना। AMO मतलब होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट क्लोज है तो भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं। ब्रेकेट ऑर्डर मतलब होता है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगता है। देखिए, ब्रेकेट ऑर्डर, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर टारगेट हुआ, जो भी। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आपकी प्राइस, जो प्राइस है उस पर बाई सेल कर सकते हैं और खाली स्टॉप लॉस लगता है, टारगेट नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे अगर इसमें इंट्राडे में बाई करना है, तो हम MIS करेंगे, फिर लिमिट करेंगे और हम रेगुलर करेंगे। ओके, और हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, हमारा ये बाई ऑर्डर चला गया। तो अभी देखिए रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि मार्केट भी क्लोज है और मार्केट ही क्लोज है, राइट। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हमें पुट ऐड करना है, 30700 चल रहा है अभी बैंक निफ्टी, और 30500 का हमें पुट ऐड करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे 30000 का पुट, 30500 का पुट,
30,500 पीई हम टाइप करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा, हम इसको प्लस वाले पे करके ऐड कर देंगे, ऐड हो गया वो। देखिए 30,500 का हमारा पुट हो गया। अब मान लीजिए इसको हमें सेल करना है, बाई का हमने आप लोग को पहले बता दिया, अब मैं आप लोग को सेल का बताता हूँ कि सेल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सेम वही है, अगर हमें नॉर्मल में करना है तो हमें नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, हमें MIS पे करना है तो MIS पे, यहाँ पर लिमिट पे हम लिमिट ऑर्डर डाल देंगे, जो भी हमारा प्राइस चल रहा है। मान लीजिए हमें 10 रुपये पे सेल करना है तो 10 रुपये पे लगा लीजिए, और यहाँ पर रेगुलर लगा दिया, और यहाँ पर डे, और इसको ऐसे खींच करके हम इसको ओके कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट क्लोज है, ऑर्डर नहीं लगेगा, राइट। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखिए हम डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके रखेंगे हम लोग, और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, दोनों हमने इसको डिलीट करके फिर सेव कर दिया, अब वो दोनों हमारा डिलीट हो गया। दूसरा है हमारा ये पहला वॉच लिस्ट पे आ गया, देखिए नीचे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये पहला आपको वॉच लिस्ट आ गया, मैंने आपको दिखा दिया सारी वॉच लिस्ट, देख रहे हैं आप लोग। अब दूसरा ऑर्डर पे आ गया, ऑर्डर पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए आज के हमारे सारे ऑर्डर हैं, इतने मैंने ट्रेड किया था आज, तो ये सब ऑर्डर लगे हुए हैं और एग्जीक्यूट हुए हैं, और पेंडिंग ऑर्डर ये हमारे हैं तो इसको जाने दीजिए। अब देखिए मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है अभी AMO में, और पोर्टफोलियो में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए पोजीशन दिखता है, और मतलब आज हमने जो ट्रेड किया है उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, और दूसरी साइड हमारी होल्डिंग दिखती है कि हमारी होल्डिंग कितनी है, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो दोनों साइड ऊपर देखिए पोजीशन है तो ये इंट्राडे में दिखाता है, और इधर साइड में करेंगे तो हमें होल्डिंग दिखाएगा जो कि सॉरी फॉर दैट। और दूसरा देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये ज़ीरोधा की हैं, देखिए विजिटिंग बाई ज़ीरोधा, कॉइन बाई ज़ीरोधा, ये सब म्यूचुअल फंड के हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखती है जो पहले वाले ज़ीरोधा में नहीं दिखती थी, तो यहाँ पर देखिए मेरी क्लाइंट आईडी है, ये मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, आप यहाँ पर अपने फ़ंड को भी ट्रैक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर अपने प्रोफाइल को भी जाकर देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है, मोबाइल नंबर सब कुछ, यहाँ पर जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं, डार्क थीम है तो इसको वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर नोटिफिकेशन है तो आप इसको ऑर्डर नोटिफिकेशन कर देंगे, हो जाएगा। अब फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट से भी आप डायरेक्ट अपने टच फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं आप इसको लॉक, पासवर्ड नहीं रहेगा तो भी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग के बाद आ जाएगी क्या इन्वाइटेड फ्रेंड्स, किसी भी फ्रेंड्स को आप इसमें इन्वाइट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। दूसरा है यूज़र मैनुअल, यूज़र मैनुअल में भी आप देख सकते हैं उसके यूज़र मैनुअल कैसे आपको यूज़ करना है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर जाकर लॉग आउट भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ अगर एक एरो बनी हुई है, यहाँ पर आपको लाइव मार्केट दिख सकता है, यहाँ वॉच लिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको लाइव मार्केट दिख सकते हैं कि निफ्टी क्या रेट चल रही है और बैंक निफ्टी क्या रेट चल रही है, और इक्विटी में आपके पास अमाउंट कितना है और कमोडिटी में कितना अमाउंट है। मैं कमोडिटी ट्रेड नहीं करता हूँ इसलिए मेरे पास उसमें अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट स्टॉक चलता है, ये काफ़ी फास्ट एप्लीकेशन चलता है। तो मान लीजिए रिलायंस को अगर हमें बाई करना है तो रिलायंस को चलिए हमने बाई कर लिया, देखिए कितना फास्ट इसमें ट्रेड लगता है। अब MIS पे क्लिक कर दिया और यही रेट हमारा जाने दीजिए 1281 रुपये का ही, और लिमिट में इसको हम फटाक से कर दिया और ये फट से देखिए होता है, और उसमें पिछले वाले ज़ीरोधा में क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम घूमता है उसके बाद जाके ऑर्डर लगता है, इसमें फटाक से ऑर्डर लग जाता है। तो आप लोग काफ़ी ये यूज़फुल ये एप्लीकेशन है ज़ीरोधा का, काइट 3.0, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और इसे ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है सिर्फ उसमें ही, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।